गाजीपुर से सुभाष कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। 5000 का इनामी और हिस्ट्री शीटर सरल राजभर उर्फ शेषनाथ को रेवतीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर पिछले 21 वर्षों से हत्या के मामले में चल रहा था फरार। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां रेवतीपुर थाना क्षेत्र निवासी अकवल त्रिलोकपुर के सरल राजभर उर्फ शेषनाथ राजभर नगदीलपुर करहिया पुलिया पर मौजूद है, जो 21 वर्षों से फरार चल रहा इनामी हिस्ट्री शीटर भी है। सरल राजभर उर्फ शेषनाथ राजभर पुत्र स्वर्गीय रामाशीष राजभर को 2 किलो 608 ग्राम नाजायज गांजा के साथ रेवतीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कई हत्या में वांछित अभियुक्त पुलिस से फरार चल रहा था, जो आज कहीं गांजा सप्लाई करने की फिराक में पुलिया पर खड़ा है। तत्पश्चात इस अभियुक्त को दिलदार नगर एवं सुहाबल थाना की पुलिस ने पुरस्कार घोषित किया है। इस वांछित अभियुक्त को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया, जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में रेवतीपुर थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार चौधरी, मधुरेंद्र सौरभ यादव, मृदुल त्रिपाठी, लखपति राम, अभिषेक यादव इत्यादि लोग मौजूद रहे। थाना रेवतीपुर पुलिस ने एक बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। एक हत्या का आरोपी जिसपे जो लगभग 23 साल से दो हत्या के मामले में, पहले एक सोहल थाना होता था, अब वर्तमान में रेवतीपुर थाने में अकोल गांव आता है, वहां पे दो लोगों की हत्या हुई थी अलग अलग वर्ष 2002 में। ये अपराधी तभी से लापता था। इसके जो फाइली हैं, मतलब इसके जो को एक्यूज्ड हैं, उनमें दो लोगों को आजीवन कारावास भी हो चुका है, लेकिन पिछले करीब एक महीने से एसओ रेवतीपुर बड़े मनोयोग से इसके पीछे लगे हुए थे और इसने जगह जगह अपनी जगह बदली। आखिरकार ये अपराधी करीब 23 साल बाद पुलिस की गिरफ्त में आया है। उस समय का इस पर 5000 रुपये का इनाम है। ये आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है तथा अब इसका उस मुकदमे में ट्रायल शुरू होगा।